अगर अपने जीवन में कुछ बनना हो तो काबिल बनना दोस्तों, कामयाबी आपको बाई प्रोडक्ट मिलेगी। अगर आप काबिल बन जाते हैं तो कामयाबी आपकी निश्चित हो जाती है। जब तक आप सिर्फ कामयाबी के पीछे भागेंगे आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, और जिस दिन अपनी काबिलियत को बढ़ाने के पीछे भागेंगे कामयाबी आपको बाई प्रोडक्ट मिल जाएगी, कामयाबी आपको साइड इफेक्ट में मिल जाएगी। इस दुनिया में हर इंसान अपनी काबिलियत बढ़ाना चाहता है, इस दुनिया में हर इंसान अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है। जब तक आप अपने जीवन में वही एक्टिविटीज को फॉलो करते रहेंगे तो आपकी काबिलियत वही रहेगी जो आज तक आपकी रही है। अगर आप अपनी काबिलियत, अगर आप अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिससे आप अपने जीवन में अपनी काबिलियत, अपनी वैल्यू को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप इन 7 सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ को लेके, इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना और ये 7 सिद्धांत आज से ही अपने जीवन में लागू करना दोस्तों, आप देखना आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाती है। सबसे पहला सिद्धांत है आप खुद की वैल्यू करो, अपनी खुद की कदर करो। जब तक आप अपनी खुद की कदर नहीं करते हैं तो दुनिया का कोई दूसरा व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता। जिस दिन आप अपनी खुद की कदर करने लग जाएंगे, जिस दिन आप खुद को काबिल समझने लग जाएंगे, उसी दिन से दुनिया आपको काबिल समझने लग जाएगी। जब तक आप ये सोचोगे कि यार मैं इसके काबिल नहीं हूं तो दुनिया भी आपको नहीं समझेगी। तो आज से एक सिद्धांत बना लो कि खुद की कदर करेंगे आप, और खुद की वैल्यू इंक्रीज करने के लिए रोज मेडिटेशन करो। उस मेडिटेशन के अंदर आप सोचो कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं कैसे बढ़ा सकता हूं, अभी मैं कहां पर हूं, मैं कहां जाना चाहता हूं। खुद को एनालिसिस करो, डेली खुद को एनालिसिस करो और खुद की रिस्पेक्ट करो। ये पहला पॉइंट। दूसरा सिद्धांत है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए किसी से बहस मत करो। जहां कहीं भी बहस चल रही है आप साइड हट जाइए। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं, किसी से उलझ रहे हैं तो हो सकता है वो बहस आप जीत जाएं, लेकिन उस इंसान को आप हमेशा के लिए हार सकते हैं, उस इंसान की नजरों से हमेशा के लिए उतर सकते हैं। तो इसलिए जहां कहीं भी बहस चल रही है, जहां कहीं भी बहस शुरू हो जाती है, उससे साइड हट जाओ। बहस कभी मत करो अपने जीवन के अंदर, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे चल रही हो, बिजनेस के टॉपिक पे चल रही हो, राजनीतिक टॉपिक पे चल रही हो, जीवन के टॉपिक पे चल रही हो, व्यवहार के टॉपिक पे चल रही हो, किसी भी प्रकार की बहस अगर हो रही है तो आप अपने आप को रोक लीजिए दोस्तों। तीसरा सिद्धांत है दूसरों के सामने कभी भी स्मार्ट मत बनो, ओवर स्मार्ट कभी भी मत बनो। खुद को स्मार्ट दिखाने का कभी भी प्रयास मत करो कि मैं स्मार्ट हूं। अगर आप काबिल हैं तो आपकी काबिलियत आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी भी इंसान के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कभी मत करना दोस्तों, ये आपकी रिस्पेक्ट, ये आपकी वैल्यू को घटा सकता है, ये आपकी वैल्यू को ख़त्म कर सकता है। स्मार्ट नहीं बनना है, ये तीसरा सिद्धांत है। अब चौथे सिद्धांत की बात करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी पे भरोसा कर लेना ये एक मूर्खता होती है, और किसी पे भी भरोसा नहीं करना ये महामूर्खता होती है। अगर आप अपने जीवन में ब्लाइंडली किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं ये मूर्खता है, ये आपकी वैल्यू डाउन कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी भी इंसान पे अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो ये भी बहुत बड़ी मूर्खता का प्रतीक है। अब पांचवा सिद्धांत, अपने सीक्रेट छुपाओ। किसी से भी, कोई भी इंसान है, अपने खुद के सीक्रेट किसी से मत शेयर करो। अगर आप अपने खुद के सीक्रेट शेयर कर देते हैं तो वाकई आपकी वैल्यू घट जाती है, क्योंकि एक समझदार इंसान आपको भाप लेता है। जब आप अपने सीक्रेट किसी से शेयर करते हैं तो सामने वाला इंसान आपकी वैल्यू समझ जाता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। जीवन में किसी से भी अपने सीक्रेट को शेयर मत करना दोस्तों, चाहे वो कोई भी इंसान हो। अब छठा सिद्धांत है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए किसी पे डिपेंड मत रहो, टोटली इंडिपेंडेंट रहो। अगर आप अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में बहुत बुलंदी तक जाना चाहते हैं तो सेल्फ डिपेंड हो जाओ। किसी भी इंसान पे डिपेंड नहीं रहना है। सीखिए सबसे सलाह लीजिए, लेकिन अपने काम के प्रति किसी भी पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड नहीं होना है। टोटली इंडिपेंडेंट होकर अपने काम पे फोकस करना है, और वो काम, आपका काम
आप खुद कर सके, ऐसी एजुकेशन, ऐसी ट्रेनिंग आपको लेनी है, ऐसे स्किल्स डेवलपमेंट करने हैं जिससे आप किसी भी इंसान पर डिपेंड ना रहें, टोटली इंडिपेंडेंट रह के अपना काम करना है। अब सातवां और आखिरी सिद्धांत है अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, टाइम की रिस्पेक्ट करो। अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। अगर आप अपने समय को दिन भर अनप्रोडक्टिव निकाल रहे हैं तो समय एक दिन आपको टोटली बर्बाद कर देगा। अगर आप अपने समय को मेजरमेंट नहीं करते हैं, अगर आप अपने समय को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप अपने समय के अंदर, प्रोडक्टिव समय के अंदर स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, अनप्रोडक्टिव चीज़ें देख रहे हैं, कॉमेडी देख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में कोई अच्छा चेंज ना आए, तो दोस्तों आप अपना समय खराब कर रहे हैं। और वाकई मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप अपने समय की कदर नहीं करेंगे तो समय आपकी कभी कदर नहीं करेगा, समय आपकी कभी वैल्यू नहीं करेगा। अपने समय की कदर करो, अपने हर घंटे को प्लानिंग में, एक्शन मोड में लेके आओ। आपको पता होना चाहिए कि अगले घंटे मुझे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि शाम को मुझे क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि दोपहर का टाइम क्या करने का है मेरे लिए। दोस्तों ये सात सिद्धांत आप अपने जीवन में आज से ही लागू कर लेते हैं तो आपकी कदर, आपकी इज्जत, आपकी वैल्यू अगले कुछ महीनों के अंदर बहुत बढ़ जाएगी। आप ये सात सिद्धांत अपने जीवन में लागू करके देखना दोस्तों, आपकी वैल्यू किस तरीके से बढ़ जाती है। और ये सात सिद्धांत बहुत आसान है, ये सात सिद्धांत हम टुकड़ों में सभी फॉलो करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं, और इसीलिए हमें वो वैल्यू नहीं मिलती जिसका हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसकी हम उम्मीद करते हैं। तो वाकई आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इन सात सिद्धांत को किसी डायरी में नोट कर लीजिए और एवरी डे इसको एक बार ज़रूर देखिए। कुछ समय के बाद इन सात सिद्धांतों को फॉलो करने की आदत लग जाएगी, और जिस दिन आदत लग जाएगी उस दिन देखना आपकी वैल्यू क्या होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दिल से ज़रूर बताना दोस्तों, कमेंट करना, और मैक्सिमम लोगों तक, आपकी टीम के हर व्यक्ति तक ये वीडियो जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत मदद कर सकता है। तो आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर, बेस्ट ऑफ लक। The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted.